नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति आज नई दिल्ली में देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा होने तक की प्रतिस्पर्धात्मक रूपरेखा जारी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से किसानों के हित में मोटे अनाज को अधिक लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने कहा, लोगों के आपसी संबंध और प्रमुख समझौते भारत मालदीव संबंधों को उत्कृष्ट बनाते हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर भारत संयुक्त अरब अमीरात रणनीतिक वार्ता में भाग लेने कल से संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एकमात्र नेता हैं जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सरकार स्कूली पाठ्यक्रम में परंपरागत खेल और उनकी विशेषताओं को शामिल करने पर कार्य कर रही है। रिलायंस जियो ने दिवाली पर भारत में 5G सेवाएं शुरू करने के लिए मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल के साथ साझेदारी की। पाकिस्तान में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1136 हुई। 3,30,00,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आपदा पर दुख व्यक्त किया। और यूएस ओपन टेनिस में मौजूदा चैंपियन डेनिल मेदवेदेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के स्टीफन कोज़लोव को हराकर पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में प्रवेश किया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद आज नई दिल्ली में देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा होने तक की प्रतिस्पर्धात्मक रूपरेखा जारी करेगी। इसे आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय, G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत और परिषद के सदस्य संजीव सान्याल जारी करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से किसानों के हित में मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 2021 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से कल नई दिल्ली में मुलाकात की। इन अधिकारियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने विदेश सेवा में शामिल होने के लिए उन्हें बधाई दी और कहा कि अब उन्हें विश्व मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने इन अधिकारियों से विदेश सेवा में शामिल होने का कारण भी पूछा। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से विचार विमर्श किया कि किसानों के फायदे के लिए मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने में वे किस तरह से योगदान दे सकते हैं। वर्ष 2023 मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोटा अनाज पर्यावरण के अनुकूल और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। प्रशिक्षु अधिकारियों ने 5 प्रण के बारे में भी विचार विमर्श किया और इन्हें प्राप्त करने की दिशा में अपने योगदान पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से अगले 25 वर्ष के बारे में विचार करने और दीर्घकालिक योजनाएं बनाने को कहा ताकि वे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। आकाशवाणी से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने बताया कि मोटे अनाज को लोकप्रिय करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इससे किसानों को फायदा होगा। है उसे इंडिया के अनुरोध पर यूएनओ ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मान लिया है, तो इस साल में हम मिलेट को प्रमोट करने के लिए देश में और विदेश में सब जगह व्यापक प्रयास करेंगे और उसके बहुत से रीजन हैं। एक तो ये है कि ये बहुत हार्डी क्रॉप्स हैं, क्लाइमेट चेंज, वाटर स्ट्रेस, उन सब को टॉलरेट कर लेते हैं। दूसरा ये है कि मिलेट की जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है कंपेयर टू हमारे जो राइस है और बीट है। उसके लिए जरूरी है कि हम प्रोडक्शन के लिए फार्मर को की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करें, तो उसमें टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है, मार्केट को भी एम्फेसिस दे रहे हैं, कंज्यूमर में भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा है कि लोगों के बीच संपर्क और महत्वपूर्ण समझौते भारत और मालदीव के संबंधों को उत्कृष्ट बनाते हैं।
एक समाचार एजेंसी के साथ भेंटवार्ता में श्री शाहिद ने कहा कि कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है और पिछले कुछ वर्षों में कई प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मालदीव और भारत के संबंध दोनों देशों के इतिहास में अब तक के सर्वोच्च स्तर पर हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। बाद में श्री सोलिह भारत की यात्रा पर आए। मालदीव के विदेश मंत्री ने कहा कि मालदीव ने कोरोना महामारी के मुश्किल दौर के बावजूद अपने सभी कर्जों को चुका दिया है। श्री शाहिद इस समय भारत यात्रा पर हैं। श्री अब्दुल्लाह शाहिद ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म या जाति नहीं होती, बल्कि ये एक बुराई है जिसका दुनिया को मिलकर मुकाबला करना होगा। उन्होंने भारत को विश्व औषधालय बताया और कहा कि भारत ने न केवल पड़ोसी देशों की मदद की, बल्कि लैटिन अमरीकी देशों और प्रशांत क्षेत्र के देशों की भी सहायता की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर कल संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे। डॉ जयशंकर 14वीं भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ तीसरी भारत संयुक्त अरब अमीरात रणनीतिक वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। 3 दिन की यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात के अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इन बैठकों में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच उच्च स्तरीय वार्ता नियमित रूप से होती रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष जून में अबुधाबी की यात्रा के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की थी। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच इस वर्ष फरवरी में वर्चुअल शिखर सम्मेलन भी हुआ था। इस दौरान भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों नेताओं ने इस वर्ष जुलाई में I2U2 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रक्षा संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत से अफगानिस्तान के लिए अब तक 40,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान पर हुई बैठक में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने बताया कि भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता सामग्री की अनेक खेप भेजी हैं, जिनमें 32 टन चिकित्सा सहायता भी शामिल है। उन्होंने बताया कि भारत ने अफगानिस्तान में अपने गेहूं का उचित और न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। काबुल में भारतीय दूतावास में एक तकनीकी दल तैनात किया गया है, जो मानवीय सहायता के प्रभावी संचालन और अफगानिस्तान की जनता के साथ भारत के संवाद और संपर्क की गतिविधियों पर नजर रखता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि महात्मा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा है। श्री मोदी के शासन और सांगठनिक क्षमताओं की प्रशंसा करते हुए श्री सिंह ने कहा कि समकालीन राजनीति में मोदी का कोई जोड़ नहीं है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में द आर्किटेक्ट ऑफ द बीजेपी हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी पुस्तक के विमोचन के अवसर पर यह बात कही। जिस तरह महात्मा गांधी जी कहा करते थे, इफ यू कुड चेंज अवरसेल्व्स द टेंडेंसी इन द वर्ल्ड वुड आल्सो चेंज, तो वह भी अपने अंदर झांकने और अपनों के प्रति उन्मुख होने और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करते हैं। और जब आज हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं और आपने लाल के विभाषी से हमारे प्रधानमंत्री के विभाषण को सुना होगा, उन्होंने 5 प्रण देने की बात कही है। ब्रिटिश भारत दास मानसिकता से मुक्ति, हम निराशा पर भारत एक रात राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री लोगों से सीधे जुड़ते हैं और बदले में लोग उन पर विश्वास करते हैं। श्री सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और राजनीतिक घटनाओं ने पिछले 8 वर्ष में भले ही पार्टी की अजय यात्रा में योगदान दिया है, लेकिन श्री मोदी की रणनीति ने जिस प्रकार से इस अवधारणा को लोगों तक पहुंचाया है और उनका विश्वास जीता, वो अपने आप में अद्वितीय है। जागृति का कहना है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को देखने के लिए की गई है। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, जागो ग्राहक जागो। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर।
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद आज नई दिल्ली में देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक की प्रतिस्पर्धात्मक रूपरेखा जारी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से किसानों के हित में मोटे अनाज को अधिक लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने कहा, लोगों के आपसी संबंध और प्रमुख समझौते भारत मालदीव संबंधों को उत्कृष्ट बनाते हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर भारत संयुक्त अरब अमीरात रणनीतिक वार्ता में भाग लेने कल से संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एकमात्र नेता हैं जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सरकारी स्कूली पाठ्यक्रम में परंपरागत खेल और उनकी विशेषताओं को शामिल करने पर कार्य कर रही है। रिलायंस जियो ने दिवाली पर भारत में 5G सेवाएं शुरू करने के लिए मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल के साथ साझेदारी की। पाकिस्तान में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1136 हुई, 3,30,00,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आपदा पर दुख व्यक्त किया। और यूएस ओपन टेनिस में मौजूदा चैंपियन डेनियल मेदवेदेव ने न्यूयॉर्क में अमरीका के स्टीफन कोज़लोव को हराकर पुरूष सिंगल्स के दूसरे दौर में प्रवेश किया। सरकार स्कूली पाठ्यक्रम में खेल या उनसे जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को शामिल करने की दिशा में कार्य कर रही है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार खेलों को लोकप्रिय बनाने और इनसे जुड़ी प्रतिभाओं को विकसित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी खिलाड़ियों से बातचीत की। श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में खेलों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की परिकल्पना की गई है और खेलों के माध्यम से सीखने पर जोर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्रीय राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क को भी शुरू कर दिया गया है और इससे शैक्षणिक अंकों के साथ खेलों को भी उचित महत्व दिया जा रहा है। इस अवसर पर युवा कार्य खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप देश को खेलों का केंद्र और महाशक्ति बनाने का समय आ चुका है। कार्यक्रम में इस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी मुक्केबाज निकहत जरीन, पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल, पूर्व पहलवान और प्रेरक वक्ता संग्राम सिंह तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञ ल्यूक कोटिन्हो भी शामिल हुए। रिलायंस जियो ने देश के प्रमुख शहरों में दीपावली तक 5G सेवाएं शुरू करने के लिए मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसे विश्व प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों से समझौता किया है। जियो ने मार्क जकरबर्ग की अगुवाई वाली मेटा के साथ तकनीक और गूगल के साथ किफायती 5G स्मार्टफोन विकसित करने के लिए समझौता किया है। क्लाउड सेवाओं के लिए जियो ने गूगल क्लाउड के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया है। जियो 4 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में दीपावली तक 5G सेवाओं की शुरुआत करेगा। दिसंबर 2023 तक पूरे देश में विभिन्न चरणों में इनका विस्तार किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से देश भर के नागरिकों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा का वर्णन करता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में हम आपके लिए भारत में आपातकाल के काले दिनों की कहानी लेकर आए हैं। वर्ष 1975 में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। वर्ष 1971 में रायबरेली संसदीय सीट के चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीत के बारे में जांच शुरू की गई। श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध चुनाव लड़ने वाले समाजवादी नेता राज नारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में श्रीमती गांधी पर भ्रष्ट आचरण और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया गया था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति जगमोहन लाल ने श्रीमती गांधी को 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से भी रोक दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को श्रीमती गांधी की जगह नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए 20 दिन का समय दिया गया। श्रीमती गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की।
24 जून 1975 को उच्चतम न्यायालय ने इस फैसले पर सशर्त रोक लगा दी, लेकिन श्रीमती गांधी को किसी भी संसदीय कार्यवाही की अनदेखी नहीं करने का आदेश दिया। 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक अशांति की आशंका के कारण देश में राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। 26 जून को आकाशवाणी के स्टूडियो से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। देश में आपातकाल 25 जून 1975 की मध्य रात्रि से शुरू होकर लगभग 21 महीने तक चला और 21 मार्च 1977 को इसे वापस लिया गया। इस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ साथ प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने देश में आपातकाल थोपने और निरंकुशता के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू कर दिया। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विरोधी पक्ष के नेता हो, कोई भी हो, ऐसा लगता है कि लोग असहाय हैं इस परिस्थिति में। किस परिस्थिति में? ये सारा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिस भ्रष्टाचार के कारण इन कानूनों का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, अमल में नहीं लाया जा रहा है। लाए जा रहे हैं कानून, और लाए भी जा रहे हैं तो गलत तरीके से लाए जा रहे हैं। आपातकाल के दौरान सरकार के फैसले का विरोध करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस अवधि को भारत में लोकतंत्र के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आपातकाल का विरोध करने में सबसे आगे थे। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया, संघ को कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जमीन, मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कह कह दी कविराय तो कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। बाइट वाजपेयी। 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटने के बाद देश में नए आम चुनाव कराए गए। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई और चुनाव जीतकर जनता पार्टी सत्ता में आई। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIANewsAlerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुन जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए बने रहें आकाशवाणी समाचार के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा के स्मृतियाँ, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियाँ और कुछ रोमांचक पल सुनना ना भूलें आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गुजरात में विकास परियोजनाएं विषय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जपन पाठक और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 और 28 अगस्त को गुजरात के दौरे पर रहे। 27 अगस्त को शाम के समय प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट पर खादी उत्सव को संबोधित किया। उन्होंने 28 अगस्त को सुबह भुज में स्मृतिवन स्मारक का उद्घाटन किया। इसके बाद उसी दिन दोपहर में भुज में करीब 5000 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। जपन जी, जो अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट में जो आयोजित किया जा रहा खादी उत्सव है, उसमें प्रधानमंत्री ने शिरकत की और फिर से खादी के प्रयोग और प्रचार पर जोर दिया, किस तरह से आप देखते हैं उनके संबोधन को, जिस तरह से उन्होंने खादी को प्रोत्साहित करने को लेकर प्रयास किए हैं? साबरमती के तट पे खादी ग्रामोद्योग क्या है, उसका एक विराट दर्शन पेश हुआ 27 अगस्त के कार्यक्रम में, जहाँ पे 7500 महिलाओं ने एकता चरखा काटा। और ये जगह बिल्कुल गांधी आश्रम से नजदीक है और यही साबरमती के तट पे महात्मा गांधी ने खादी का महिमा मंडन किया था। कुछ ही किलोमीटर दूर वहीं से, वही साबरमती के तट पे एक विराट दर्शन की खादी ग्राम उद्योग की शक्ति क्या है और उसमें नारी शक्ति का विशेष करके क्या महत्व है, वो प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के द्वारा दिखाया।
और इसे पूरे देश को एक संदेश, एक विराट दर्शन के मार्फत किया। कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं, लेकिन आजादी के जब 75 वर्ष है तो 7500 महिलाएं एक साथ चरखा काटे। प्रधानमंत्री ने भी 94 ईयर ओल्ड एक ऐतिहासिक चरखा है वो वहां पे काटा, जो बारडोली सत्याग्रह के समय में उपयोग में हुआ था। तो प्रधानमंत्री बिल्कुल मुखर कर खादी का प्रचार जब बतौर मुख्यमंत्री करते रहे थे तो गुजरात के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो रिजल्ट जो गुजरात में मिले, मल्टीफोल्ड बिक्री जो खादी और ग्रामोद्योग की हुई, वो फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर भी ले गए। प्रधानमंत्री ने भुज में स्मृति वन स्मारक का भी उद्घाटन किया। ये स्मृति वन अपनी तरह की एक अनूठी पहल है और इसे लगभग 470 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। 2001 में जो भूकंप के दौरान लगभग 13,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, तो उनके नाम स्मारक में अंकित हैं और साथ ही उनको स्मरण करने का ये एक पहल है प्रधानमंत्री की, तो इसका क्या महत्व है और किस तरह से अहम है? नरेंद्र भाई बतौर मुख्यमंत्री हमेशा एक बात कहते थे कि आपत्ति में से भी हम अवसर ढूंढेंगे। स्मृतिवन के माध्यम से एक बड़ा टूरिज्म का, बल्कि सिर्फ टूरिज्म का नहीं, स्मृतिवन में टूरिस्ट तो बड़ी संख्या में आएंगे ही, लेकिन टूरिज्म के सिवा अगर आप देखें तो एक ज्ञान का भी वहां पे एक माध्यम खड़ा किया है। क्योंकि गुजरात के लोग भूकंप प्रोन विस्तार में रहते हैं, कच्छ के लोग भूकंप प्रोन विस्तार में रहते हैं, इससे पहले भी बड़े भूकंप आए हैं, तो यहाँ के लोग एक ज्ञान हासिल करेंगे एक सरल माध्यम से, बिल्कुल हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से और प्रदर्शन से, तो वो स्मृतिवन के जरिए शुरू किया गया। इसके साथ साथ ही स्मृतिवन भूकंप की ये जो बड़ी त्रासदी थी 2001 की, जिसमें 13,000 लोग मारे गए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो वो स्थिति जब लोग मानते थे कि इसमें से कच्छ कभी खड़ा ही नहीं होगा, कभी गुजरात खड़ा नहीं हो पाएगा, वो स्थिति में से कच्छ आज इतना बड़ा, आप देखिए इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, आप आज कच्छ की पूरी स्थिति देखें, इस स्थिति में कच्छ कैसे आया, कैसे उभरा, इसकी भी कहानी बयान करता है स्मृतिवन का म्यूजियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज में जहां एक तरफ लगभग 5,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, वहीं उन्होंने गुजरात के हंसलपुर में सुजुकी मोटर गुजरात इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहां की इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एडवांस केमिस्ट्री सेल की बैटरी तैयार की जाएगी, इस यूनिट का शिलान्यास किया। तो जपन जी, किस तरह से ये परियोजनाएं गुजरात को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी और इनसे किस तरह से गुजरात का विकास सुनिश्चित होगा? देखिए, प्रधानमंत्री का जो साबरमती के तट पे कार्यक्रम था अहमदाबाद में, वो ग्रामीण अर्थतंत्र के बारे में था। मारुति वाला जो प्रोग्राम हुआ, 40 साल सुजुकी के जो भारत में हुए, उसका जो कार्यक्रम हुआ, वो राष्ट्रीय स्तर पे हम कैसे एनर्जी में आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह जो फ्यूचरिस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में था। अटल ब्रिज का जो उद्घाटन हुआ, वो एक शहर के बारे में था, एक अर्बन आप कैसे अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं, कैसे एक शहर को और खूबसूरती प्रदान कर सकते हैं, उसके बारे में था। और कच्छ का जो कार्यक्रम, वो एक जिला स्तर का कार्यक्रम था, अगर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें काफी सारे गांव है, छोटे से टाउन है, और कच्छ तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी है, तो वो डिस्ट्रिक्ट का विकास अलग अलग किन किन पैमानों पे हो सकता है उसके बारे में कार्यक्रम था। तो आप नर्मदा कैनाल देखिए, तो वो किसानी के लिए काफी महत्व का प्रकल्प है। आप देखिए नर्मदा नदी कितने दूर है कच्छ से, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर पार कर पंपिंग से, ग्रेविटी से नर्मदा का पानी, न केवल पानी पीने के लिए लेकिन इरिगेशन के लिए भी आज कच्छ जितने दूर के विस्तार में उपलब्ध करवाया गया है। तो ये बहुआयामी एक जिले के विकास के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो आपको नरेंद्र भाई ने जो प्रकल्प का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, उसमें आपको मालूम पड़ेगा। अगर आप स्टडी करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा आपको पूरा एक माला मिलेगा अलग अलग मोती का, कि एक डिस्ट्रिक्ट का विकास, दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट का विकास, उसके विविध आयाम क्या हो सकते हैं। जपन पाठक जी, आप कार्यक्रम में जुड़े और विस्तार से आपने विषय पर विश्लेषण किया, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे गुजरात में विकास परियोजनाएं विषय पर परिचर्चा, भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार जपन पाठक और आकाशवाणी के संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। पाकिस्तान में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,136 हो गई है, जबकि 3,30,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। विनाशकारी बाढ़ ने पूरे पाकिस्तान में सड़कों, घरों और फसलों को बर्बाद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही पर दुख है। श्री मोदी ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि जल्दी ही स्थिति सामान्य हो जाएगी।
और अब एक नजर मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। चेन्नई और कोलकाता में भी बादल छाए रहने की संभावना है। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा, दोपहर बाद बादल छा सकते हैं। जम्मू में बादल छाए रहेंगे जबकि लेह में आसमान साफ रहेगा। गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी बादल छाए रहने की संभावना है। गुवाहाटी, ईटानगर, कोहिमा, आइजोल, इम्फाल, गैंगटोक और शिलांग में भी बादल छाए रहने और एक दो स्थानों पर गरज के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दिन कल मौजूदा चैंपियन रूस के डेनिल मेदवेदेव ने पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में स्टीफन कोज़ोलोव को हराया। अगले दौर में उनका सामना फ्रांस के आर्थर लिंडनेट से होगा। ब्रिटेन के एंटी मरे ने अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सरेंडोला को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। महिला सिंगल्स में रूस की वेरोनिका कुदरमितोवा, फ्रांस की कैरोलिन गार्शिया, ग्रीस की मारिया सक्कारी और अमरीका की एलिसन रिस्के अमृतराज दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। कोरोना नियमों से जुड़े विवाद के कारण सर्बिया की नोवाक जोकोविच इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं। एशिया कप क्रिकेट में आज शारजाह में ग्रुप बी में बांग्लादेश का सामना अफगानिस्तान से होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल शाम 7 बजे से एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। देश में अब तक 212 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 22 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पहली डोज के रूप में 102 करोड़ 28 लाख से अधिक और दूसरी डोज के रूप में 94 करोड़ 21 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonia.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबों के लिए ऑल इंडिया रेडियो के प्रेजेंटेशन है अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हमें 9289094044 पर व्हाट्सएप करते हैं आप अपने ऑडियो सवाल या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर और इसका जवाब एक्सपर्ट देते हैं रात 9:30 बजे शनिवार को। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल है इस बार का विषय और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 31 अगस्त। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। और देवेंद्र आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी लवलीन, अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्राथमिकता दी है। जनसत्ता ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के इन शब्दों को पहली खबर बनाया है। सीमा की स्थिति भारत चीन संबंध तय करेगी। पत्र ने आगे लिखा है कि एशिया का भविष्य इन दोनों देशों के बीच संबंधों के विकसित होने पर निर्भर। दीपावली तक 4 प्रमुख शहरों में शुरू होंगी 5G सेवाएं। ये सुविधा अगले साल के अंत तक पूरे देश में उपलब्ध होगी। इसे राजस्थान पत्रिका ने शीर्षक दिया है इंतजार की घड़ियां घटी। भारत को अपना सबसे आधुनिक फाइटर जेट देने को तैयार रूस, लोकसत्य की खबर है। स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर प्रणाली पिनाक के सफल परीक्षण को अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का एक और अहम कदम। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस पार्टी पर तीखे हमले को सभी अखबारों ने जगह दी है। राष्ट्रीय सहारा की पहली खबर है आजाद बोले बीमार कांग्रेस को सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत। अमर उजाला ने गुलाम नबी आजाद के इन शब्दों को दिया है मोदी ने दिखाई इंसानियत। नोएडा में हाल ही में ट्विन टावर को ढहाए जाने के बाद उस मलबे से बनेगी सड़क। नोएडा प्राधिकरण को जिला प्रशासन द्वारा दिए गए इस सुझाव को नवभारत टाइम्स ने पहली खबर बनाया है। उधर हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है राजधानी में हर साल 15 ट्विन टावर के बराबर निकलता है मलबा। अब स्कूलों में वर्चुअल लैब से होगी पढ़ाई, राष्ट्रीय सहारा की खबर है। पत्र लिखता है देश में करीब 10 लाख शिक्षक और 10 करोड़ छात्रों के लाभान्वित होने की उम्मीद। आधार आवेदन ने 16 लापता लोगों को उनके परिवार वालों से मिलाया, राजस्थान पत्रिका ने इसे टेक्नोलॉजी का वरदान बताया। अमरीकी महंगाई से सेंसेक्स धड़ाम, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र के अनुसार एशियाई बाजारों में भारी बिकवाली का खामियाजा शेयर बाजारों को उठाना पड़ा। दैनिक भास्कर की खास खबर है अब ज्यादा आध्यात्मिक हो रहे हैं ब्रिटेन के युवा। पत्र ने एक सर्वे के हवाले से लिखा है कि युवा पीढ़ी में ध्यान और आध्यात्म के प्रति रुझान पिछली पीढ़ी के मुकाबले ज्यादा बढ़ा है। और कल से शुरू हो रहे गणेश उत्सव को अधिकतर अखबारों ने सचित्र दिया है। अमर उजाला की सुर्खी है गणेश उत्सव में कहीं अयोध्या दिखेगी तो कहीं काशी विश्वनाथ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद आज नई दिल्ली में देश के स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा होने तक की प्रतिस्पर्धात्मक रूपरेखा जारी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से किसानों के हित में मोटे अनाज को अधिक लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एकमात्र नेता हैं जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सरकार स्कूली पाठ्यक्रम में परंपरागत खेल और उनकी विशेषताओं को शामिल करने पर कार्य कर रही है। रिलायंस जियो ने दिवाली पर भारत में 5G सेवाएं शुरू करने के लिए मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल के साथ साझेदारी की। और यूएस ओपन टेनिस में मौजूदा चैंपियन डेनिल मेदवेदेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के स्टीफन कोज़लोव को हराकर पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।